क्यों उन्होंने बकी को मुनहदिम किया है? इसलिए कि बकी में वो अफराद हैं कि जिनका वजूद चाहे वो दुनिया में ज़ाहरी हयात के साथ हो, चाहे शहीद होकर ज़ाहरी हयात से चले गए हों, उनका वजूद इस्लाम की तबलीग का बाइस है। इन्हिदा में जन्नतुल बकी, आप सबकी खिदमत में हम जन्नतुल बकी के इन्हिदाम की तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। वाकई ये बहुत ही बड़ा जुल्म है, बर्बरियत है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम वो बकी कि जहाँ पे हमारे चार इमाम दफन हैं और सिद्दीक़ ताहरा की कब्र भी ज़ाहिरन वहाँ उस बकी में जो रोज़े बने थे उनको मुनहदिम किया गया, बिलखुसूस अहले बैत अतहार। और दूसरी बहुत सारी शख्सियात हैं बकी में, उसी के साथ साथ मक्का मुकर्रमा का कब्रिस्तान जन्नतुल मौला भी सऊदी हुक्मरान ने मुनहदिम किया। जिस तरीके से मुफ्तियों से फतवा लिया गया था कि जिस पर सवाल किया गया जवाब उसी में छिपा हुआ था, अलग से एक धमकी थी जो उनके सामने थी कि अगर हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने दे दिया फतवा तो क्या होगा, अगरचे फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मसलन उन्होंने जो किया सही किया, गलत किया उन्होंने, तो ये अहम मसला है। यहाँ पर वो जान बचाने के और अपने जान के खौफ से गलत नहीं बोल सकते थे। लेकिन ये जो हुकूमत का रवैया था कि जिस तरीके से सवाल किया गया जिसमें जवाब छिपा हुआ था, एक धमकी थी जो महसूस कराई जा रही थी, जो मसलन बज़ाहिर नहीं थी, महसूस कराई जा रही थी, इन सारी चीज़ों ये इस बात की दलील है कि उस वक्त भी सऊदी अरबिया में दीन आज़ाद नहीं था, मुसलमान आज़ाद नहीं था, मज़हब के ज़िम्मेदार अफराद आज़ाद नहीं थे। और ये पूरा हालात देखें तो आज भी सऊदीया में शरीयत आज़ाद नहीं है, इस्लाम आज़ाद नहीं है, वो शरीयत से खिलवाड़ कर दरअसल के वो इस्लाम दुश्मन ताकतों के ग़ुलाम थे। आज भी वो अमेरिका और इसराइल के ग़ुलाम, आज वहाँ पे खुल्लम खुल्ला शराब का या जुए का आ जाना और वैसे फहाशी के मरकज़ का खुल जाना, उसको रस्मियत दे देना, कानूनी शक्ल दे देना, बाज़ सिलेबस से कुरान मजीद की जिहाद से मुतालिक आयतों का हज़्म कर देना, ये पूरी सऊदीया के हालात हैं कि जो ख़ुद सऊदीया के इस्लाम और दीन को समझने में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं कि सऊदी के हुक्मरान को, आले सऊद को, कि जो दरबार के आले यहूद हैं, उनको हम दीन का ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, तो गलत फहमी हमारी। वो खादिम नहीं है हरमैन के, वो खाइन है हरमैन के। दरबार वो जिन हरमैन के खादिम हैं उनका एक हरम अमरीका है और एक इसराइल, जिन्हों बर्बादी के दहाने पर मुस्तकिल इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना, शरीयत के साथ खिलवाड़ करना। देखें ये जो इनका इस्लाम है ये दिखाने वाला इस्लाम, अगर मुसलमान समझा जा रहा है तो गलत फहमी है, दिखाने वाला इस्लाम है। और ये मजबूरी है इसलिए कि अगर ये इतने भी इस्लाम को नहीं दिखाएंगे तो जो दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर उसके बाद लोग इनसे सवाल करेंगे कि अगर आप दरवाक़े मुसलमान नहीं हैं तो आपको क्या हक़ होता है कि आप के मदीने जैसे शहरों में आके बैठें और वहाँ के इंतजाम को देखें और लोगों के हज और ये सारी चीज़ें देखें। अगर ये जाहिर कर दें कि दरवाक़े मुसलमान नहीं हैं तो फिर हज का अहतमाम इनके पास नहीं होगा। लिहाजा जो हज को कैप्चर किया गया है और रूह है हज को ख़त्म कर दिया गया, तो अब ये जो इनकी पूरी एक्टिविटीज़ सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ख़ुद ब खुद क्लियर हो जाता है कि क्यों उन्होंने बकी को मुनहदिम किया है। इसलिए कि बकी में वो अफराद हैं कि जिनका वजूद चाहे वो दुनिया में ज़ाहरी हयात के साथ हों, चाहे शहीद होकर ज़ाहरी हयात से चले गए हों, उनका वजूद इस्लाम की तबलीग का बाइस है। मकबरों के होने से क्या नुकसान है किसी का, लेकिन जब किसी कब्र पर मकबरा बनता है तो उसकी फ़िक्र को लोगों तक पहुँचाता है, उसके मिशन को लोगों तक पहुंचाता है। बकी के मकबरों से, बकी के मकबरों को मुनहदिम करना ये इस बात के लिए है ताकि जो बकी का मिशन है वो लोगों तक ना पहुंचे, अइम्मा का मिशन लोगों तक ना पहुंचे, अइम्मा की फ़िक्र लोगों तक ना पहुंचे। वो फ़िक्र को तोड़ा गया है, लेकिन ये अहमक हैं, इन्हें ये नहीं मालूम
कि अइमा का नाम भी उनके मिशन को पहुंचाने के लिए काफ़ी। अगर ये चाहते हैं कि वह नाम भी ख़त्म हो जाए, लेकिन इनकी औकात नहीं कि इसको ख़त्म कर दें, इनकी हैसियत नहीं कि उसको ख़त्म कर दें। ये जिनकी ग़ुलामी में है, खुद उनका वजूद इस वक्त ख़तरे में है, तो खुद उनके अपने वजूद की क्या हैसियत है। लेकिन जब किसी कब्र पे मकबरा बनता है तो उसकी फिक्र को लोगों तक पहुंचाता है, उसके मिशन को लोगों तक पहुंचाता है। बाकी के मकबरों से, बाकी के मकबरों को मुनहदिम करना ये इस बात के लिए है ताकि जो बाकी का मिशन है वो लोगों तक न पहुंचे, अइमा का मिशन लोगों तक न पहुंचे, अइमा की फिक्र लोगों तक न पहुंचे, वो फिक्र को तोड़ा गया।